आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी की टेस्टी सी भुर्जी, वो भी झटपट से, यानी लगभग 5 मिनट में हम इसे बना करके तैयार कर लेंगे। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी की भुर्जी। और भाई, अगर हमारे पास घर में फूल गोभी पड़ी हो और हमारे पास बहुत कम टाइम हो खाना बनाने का यानी सब्जी बनाने का, और हमें 10 से 15 मिनट के अंदर सब्जी बना करके तैयार करनी हो और वो भी बहुत टेस्टी सी, तो हमें झटपट से ये सब्जी बना करके तैयार कर लेनी चाहिए। और ना ही केवल 5 से 6 मिनट में कुक हो जाती है बल्कि बहुत ज़्यादा लाजवाब भी लगती है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी की भुर्जी, जो कि झटपट से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो का एक मेरे पास फूल गोभी थी, उसे मैंने अच्छे से धो करके कद्दूकस कर लिया है, और जो उसका डंठल होता है उसका भी आउटर मैंने छिलका निकाल करके उसे भी कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज और इन्हें कट कर लिया है। तो प्याज की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं, अगर गोभी जैसे ज़्यादा है तो आधे से ज़्यादा प्याज भी होना चाहिए। और ये है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे कद्दूकस कर लिया है। और ये है 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, इन्हें भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब करते हैं आगे का प्रोसीजर शुरू, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें हम सारी की सारी चीज़ें जो है कि चारों की चारों ऐड कर लेंगे एक साथ, यानी कद्दूकस की हुई गोभी, कटा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन। तो चारों के चारों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे, यानी एक ही बर्तन में ऐड कर लेंगे और अब करेंगे आगे की तैयारी। और अब यहाँ पर कढ़ाई भी हो चुकी है गर्म, तो हम यहाँ पर लेंगे लगभग 1.5 करछी तेल। तो मैं तो यहाँ पर छोटा स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, अगर आप करछी यूज़ करेंगे तो 1.5 करछी तेल यहाँ पे ऐड हम कर लेंगे। आप चाहे तो तेल अपनी चॉइस के हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और तेल को होने देंगे गरम, और जब तक तेल गरम हो रहा है तो हम यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और उसमें सारे के सारे पिसे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये है थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच, और 1/2 चम्मच ये है पाव भाजी मसाला, और 1/2 चम्मच है सब्जी मसाला। मसाले आपके पास जो भी हो आप वही ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप खाना पसंद करते हैं। और जैसे तेल गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे अजवाइन, और उसके कुछ ही सेकंड बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे पिसे मसाले। और बस इन पिसे मसालों को हम यहाँ पर तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम इन्हें बहुत देर तक नहीं पकाएंगे, बस कुछ ही सेकंड के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे सारी की सारी कटी हुई सब्जियाँ, जो कि था कद्दूकस की हुई गोभी, कटे हुए प्याज और अदरक और लहसुन। और इतना ही काफ़ी, हम इस सब्जी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालते, और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स। और ध्यान रहे जो फ्लेम है ना, फ्लेम हम रखेंगे लो से थोड़ा सा ऊंचा और मीडियम से कम, और पूरी सब्जी हम यहाँ पर इसी फ्लेम में बनाएंगे, यानी लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में। और जैसे हम यहाँ पर सारी सब्जी को इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना पानी ऐड किए, हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इन्हें बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद हम इन्हें खुला पकाएंगे, यानी बिना ढक्कन लगाए। और अब यहाँ पर हमने अच्छे से इस सब्जी को कर लिया है मिक्स, तो हम इसे ढकेंगे नहीं और खुला नेक्स्ट 2 से 2.5 मिनट तक हम कुक होने देंगे। ध्यान रखेंगे अगर हम फ्लेम को बहुत ज़्यादा ऊंचा रखेंगे तो जल जाएगी, फ्लेम हमें ऊंचा नहीं रखना, बस हल्का हमें लो से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि अच्छे से ये नीचे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। और अब इसे कुक होते हुए तकरीबन 2.5 मिनट हो चुका है, तो हम इसे पलट लेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे फिर से। और हम इसे अब इस बार मिक्स करने के बाद ढक कर के रख देंगे पकने के लिए सेम उसी फ्लेम में, यानी लो से ऊंची फ्लेम में, और 2.5 से 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और अब इसे कुक होते हुए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी परफेक्ट तरीके से हो चुकी है तैयार। देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनी है ना, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है और बहुत अच्छी हमें खुशबू भी इसकी आ रही है, और झटपट से हमने इसे बना करके तैयार भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, लाजवाब। भाई मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है, चाहे मैं उन्हें ये रोटी के साथ सर्व करूँ या फिर नाश्ते में पराठे के साथ। तो चलिए अब गैस को हमने बंद कर लिया है, तो हम इस टेस्टी से अपनी गोभी की भुर्जी को कर लेते हैं सर्व। और इस बात की गारंटी मैं आपको पूरा देती हूँ कि अगर आपने भी मेरी इस रेसिपी को सेम तरीके से फॉलो करके ये फूल गोभी की भुर्जी बनाई ना, तो आपको भी खाने में मज़ा आ जाएगा। देखा ना, बनाने में ये कितनी सिंपल है, जबकि खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर पूड़ियों के साथ, भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है ये। तो चलिए, अब हमने तो यहाँ पर अपनी टेस्टी सी गोभी की भुर्जी को कर लिया है सर्व, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।